हम लोग पांडिचेरी यहाँ से होके हम लोग पांडिचेरी में घुसेंगे, यही मेन गेट है, यही मेन गेट है पांडिचेरी घुसने का। चलिए आगे, बीच के सामने हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और वॉकिंग करने का जोन है, बहुत सुंदर जगह है। मैं कैमरा को रेयर कैमरा से दिखा रहा हूँ, इतना सुंदर जगह है ना, मैंने इतना सुंदर वॉकिंग करने का जगह वॉकिंग जोन कभी देखा नहीं, दिखा रहा हूँ आप लोग को, मजा आएगा। तो मैं इधर से आया था, इधर से होके ऐसे देखिए चारों ओर ग्रीनरी है, ट्रीज प्लांट्स है और बीचों बीच एक छोटा सा रास्ता है, ये रास्ते से होके आप वॉकिंग कर सकते, ऐसे करके घूमता रहता है ऐसे। ये देखिए उधर रास्ता है, उधर भी आप वॉकिंग कर सकते हो और इधर तो मतलब टोटली सेपरेट है, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आराम से मज़े से वॉकिंग करते रहिए यहाँ पे। ये देखिए फ्रेश एयर मिलेगा आपको, मज़ा आ जाएगा बस, और शायद रात को भी कर सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े लैंप्स जो है यहाँ पे हैंग किया गया है, लैंप्स भी यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए और ये बड़े बड़े ट्रीज है, सुंदर है ना, वाह एक्सोटिक फीलिंग होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स लोग रहते थे ना, तो थोड़ा बहुत पहले उन लोगों ने आर्किटेक्ट जो है बना के गए थे, जिस कारण से मतलब इतना मेंटेन किया हुआ है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, तो बहुत लोग देखिए वॉकिंग वॉकआउट कर रहे हैं यहाँ पे, वॉकिंग कर रहे हैं, मज़ेदार जगह है, क्या बोलूँ। छोटे छोटे फ्लावर्स भी देखने को मिल जाएंगे आपको, और ऊपर भी है देखिए, यहाँ पे एक फ्लावर है, फ्लावर लगा हुआ है, जगह जगह में फ्लावर लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ है ना, क्या बोलिए, अच्छा लगता है लेकिन पेड़ देख के, ग्रीनरी है, पेड़ है, पौधे हैं, मज़ा आता है देख के। वर्कआउट करने का इससे बेहतरीन जगह, इससे बेटर प्लेस हो नहीं सकता, मैं तो ये आप लोग को बोलूँगा क्योंकि बहुत ही सुंदर है। वो देखिए स्क्वायरल, स्क्वायरल भी है, दिखा रहा है चलाइए, बर्ड्स स्क्वायरल्स बहुत सारे चीज़ यहाँ पे दिखाई देते हैं इस गार्डन के अंदर। ये एग्जैक्ट नाम क्या है मुझे पता नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का जो नाम है वो बताने की, ओके अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा तो मैं आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, तो ऊपर में पूछता हूँ। और बीच में बहुत बड़ा सा रास्ता दिया गया है, देखिए साइड साइड में डस्टबिन है, बहुत नीट एंड क्लीन है, लेकिन बर्ड्स बहुत सारे ऊपर, बहुत सारे बर्ड्स दिखाई देंगे आपको यहाँ पे। और मैंने उन्होंने उनको भैया जी को पूछा था, तो बोला कि ये एक पार्क है, इतने सारे पेड़ है ना कि ये राउंड क्लॉक, ये राउंड क्लॉक ये ओपन रहता है, उनका ये कहना है। और इतने सारे पेड़ लगाने के पीछे बहुत सारे वजह भी हो सकते हैं, क्योंकि सामने ओशन है ना, तो इरोशन से बचने के लिए भी ये पेड़ बहुत ज़रूरी होता है, तो सर उसके कारण भी लगाया गया, लेकिन बहुत अच्छा काम है ये, अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ सब जगह में ऐसा जगह होना चाहिए, ऐसा जोन होना चाहिए वॉकिंग जोन, और इतने सारे पेड़ पौधे ग्रीनरी, मज़ा आ जाता है, फ्रेश एयर, प्लांटेशन भी बहुत ज़रूरी है ना। देखिए यहाँ पे कुछ एक गेट है जो बहुत सुंदर दिखाई देता है, और ऐसे आप घूम सकते, बहुत बड़ा जगह है, मतलब वॉकआउट करने का बेस्ट जगह एवर आई हैव सीन, आई हैव फाउंड टिल नाउ अभी तक। तो ये था रॉक बीच पांडिचेरी का, और ये सुबह का नज़ारा आप लोग को दिखाने की कोशिश किया, सब आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वो सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टिंग टिंग करके मिलती रहे, क्योंकि मैं आज भी बहुत सारे जगह पे जाने वाला हूँ पांडिचेरी की, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, अच्छा अच्छा जगह है यहाँ पे। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, बाय।